ए सिलेंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क ऑफ डेंसिटी ऑफ बेस एरिया, ए एंड हाइट एच, डेंसिटी नहीं दी है, डेंसिटी भी होनी चाहिए, डेंसिटी रो या रो डैश, फ्लोट्स इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो रो एल, रो एल तो लिक्विड की डेंसिटी है, रो एल या रो वन जो है वो लिक्विड की डेंसिटी है, हाँ कॉर्क की जो डेंसिटी है वो रो दी हुई है। तो एक सिलेंड्रिकल पीस है कॉर्क का, उसका बेस एरिया दिया है, उसकी हाइट दी है और वो फ्लोट कर रहा है किसी लिक्विड में जिसकी डेंसिटी है रो एल या रो वन, और ऑब्वियसली फ्लोट कर रहा है तो कॉर्क की डेंसिटी कम होगी, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी। द कॉर्क इज डिप्रेस स्लाइटली एंड देन रिलीज, थोड़ा सा उसको दबाया छोड़ दिया जाता है, और शो दैट द कॉर्क ऑसिलेट्स अप एंड डाउन सिंपल हार्मोनिकली, आपको ये शो करना है कि SHM होगा उसका मोशन और उसका टाइम पीरियड आपको निकालना है, ठीक है। तो आप सिचुएशन समझो क्या है, जैसे मान लिया कि ये लिक्विड की सरफेस है और एक सिलेंड्रिकल कॉर्क इस तरह से फ्लोट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से फ्लोट कर रहा है। ऑब्वियसली कुछ हिस्सा इसका अंदर डूबा होगा, कितना हिस्सा अंदर डूबा होगा, इसकी टोटल हाइट आपको दी है h, और कुछ हिस्सा इसका इमर्ज होगा h i कह देता हूँ मैं उसको, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है इसका a, डेंसिटी है इसकी रो, और जिस लिक्विड में डूबा हुआ उसकी डेंसिटी है रो l या रो 1, ठीक, इस तरह की सिचुएशन है। फ्लूड मैकेनिक्स में हमने ये पढ़ा था कि अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म डेंसिटी का कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा होता है तो कुछ हिस्सा उसका डूबा होता है, कुछ हिस्सा बाहर होता है, तो इमर्ज्ड हाइट अपॉन टोटल हाइट का जो रेशियो होता है वो रिलेटिव डेंसिटी के बराबर होता है, यानी वो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इमर्ज वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम का रेशियो, या आपको इमर्ज्ड हाइट अपॉन टोटल हाइट का रेशियो, ये दोनों ही बराबर होते हैं और रिलेटिव डेंसिटी के बराबर होते हैं, रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्लियर। अब आपने इसको नीचे डिप्रेस किया x, जैसे आपने इसको नीचे x डिप्रेस किया तो उस पर एक बायंसी फोर्स लगेगा, और वो बायंसी फोर्स अगर x के प्रोपोर्शनल आ गया तो वो इसको SHM करवाएगा, ठीक। तो जरा चेक करते हैं बायंसी फोर्स कितना लगेगा, अभी भी बायंसी फोर्स लग रहा होगा, ऐसा नहीं है कि अभी भी बायंसी फोर्स लग रहा होगा, जो अभी बायंसी फोर्स लग रहा होगा एफ अप जो लग रहा होगा वो इसके वेट mg को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक। फिर जब आप इसको x नीचे डिस्प्लेस करोगे तब जो एक्स्ट्रा वायंसी फोर्स आएगा, एक्स्ट्रा जो इसने एक्स्ट्रा लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा वायंसी फोर्स आएगा वो इसको रिस्टोरिंग फोर्स देगा। तो एक्स्ट्रा वायंसी फोर्स कितना होगा, तो वो हो जाएगा एरिया है ए, डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स, तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया वो ए एक्स हो गया, इंटू वेट ऑफ लिक्विड रो एल या रो वन इंटू जी, ये है एक्स्ट्रा वायंसी फोर्स, और यही एक्स्ट्रा वायंसी फोर्स क्या देगा आपको, रिस्टोरिंग फोर्स। अब इसको गौर से देखो, जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है वो एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हो ए रो एल इंटू जी इंटू एक्स, और अगर आपको वेक्टर लगाना हो, एक्स पे भी वेक्टर लगाना हो, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ और बायंसी फोर्स कहाँ आएगा, एक्स्ट्रा बायंसी फोर्स जो कि रिस्टोरिंग फोर्स दे रहा है ऊपर की तरफ। तो ये जो कोफिशियंट है, ये जो कॉन्स्टेंट है, यही SHM का कॉन्स्टेंट बनेगा। तो टाइम पीरियड हम क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड लिखेंगे 2π√m/k, और m कितना होगा, एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी, ये बन जाएगा m अपॉन k कितना है, तो k है a रो l इंटू जी, तो a से ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाइम पीरियड आपका आ गया, जो प्रूफ करना था वो मिल गया आपको, √2π√h रो अपॉन रो वन या रो एल इंटू जी, क्लियर। तो कंसेप्ट एकदम सिंपल है, मैंने पहला कितना डूबा होगा, कितना एफ अप लग रहा होगा, कितने वेट को बैलेंस करेगा, मैंने कुछ नहीं निकाला, मैंने ये कहा जो भी होगा वो आपस में बैलेंस हो रहे होंगे शुरुआत में, जो आपने एक्स्ट्रा उसको डिस्प्लेस किया उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा फोर्स आया, एक्स्ट्रा बायंसी फोर्स आया, एक्स्ट्रा बायंसी फोर्स, वही क्या देगा, वही देगा रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि पहले वाला तो बायंसी फोर्स mg को बैलेंस करने में खर्च हो गया होगा, ये एक्स्ट्रा एफ अप है, क्लियर।